नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम अगर तुम अगर तुम देखिए गाड़ी बंद रोकना, पीछे पुलिस लगी है। डॉलरों की गठड़ी पीछे पड़ी है, देखता क्या है, देखता क्या है, भगा एयरपोर्ट की तरफ ट्रक। मेरे हिसाब से वो पाप की गठड़ी। ओए ओए बन जाने दे उसका, कुछ बन जाने दे, चार पैसे आ जाएंगे, जमीन आ जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी, जिंदगी सफल हो जाएगी उसकी। जग्गी इसकी बातों में ना आना हो, डॉलर उठा चल मेरे भाई गांव को। हमें हमेशा जिंदगी में सफल होने के लिए सब्र और संतोष के रास्ते पे चलना पड़ता है। क्या बकवास करता है तू, मैं अभी तुझे गुड्डों के नीचे लेके सब्र संतोष निकाल दूंगा तेरा। मंदा बोल ना बोलिए करता रोंडरिए। ये कहां से पल्ले पड़ गया मेरे संस्कारी, निकल यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अरे जग्गी भाई अगर बॉर्डर पर जंग ना लगी हो तो सरकार फौज को घर नहीं भेजती, साथ रखती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अरे तू रिटायरमेंट ले ले फिर, तुझे बोला ना निकल यहां से। वाह वाह क्या डिसीजन लिया है जग्गी जी, बहुत अच्छा किया है। तू भी निकल यहां से। अरे जा यार कहीं सत्संग कर जाके। यार टू इन वन दिमाग खा गए मेरा। ओए चढ़ा दे रुक क्यों गया, सारी दुनिया ही गुस्से में फिर रही है। अरे क्या हुआ बहुत गुस्से में लग रहा है तू, जिसका घर बिक रहा हो वो तो गुस्से में होगा ना, जा जा अपना काम कर। मैं जस्ट लिटिल एंजल ऑर्फनेज से लाइव रिपोर्ट कर रही हूँ। ऑक्शन शुरू हो चुका है, अब बच्चों के लिए फैसला कौन करेगा, ये बच्चों के लिए बहुत दुख की बात है। पीपी क्या कर रहा है, अगर खिलाने तो खिला दे ब्रो। बोल भी टेढ़ा रहा है और कहता भी ब्रो है, पहुंची हुई चीज लग रहे हो सरदार जी। बंदा होशियार है, सरदार के साथ जी लगाता है। What would you like, सरदार जी? ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई अच्छा सा फ्लेवर निकाल। फ्लेवर कौन सा? कोक फ्रूट। कोक फ्रूट? हाँ दे हमें कोक फ्रूट। उठा कोक। ये चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे? जो आदमी हमारे ऑर्फनेज को फाइनेंस करता था वो तो आउट हो गया, और उसके लड़के ने हमें आउट कर दिया। आज हमारे ऑर्फनेज की ऑक्शन है। Next. Next. रुक जाओ एक मिनट। To the kids. कहाँ जा रहे हैं सरदार जी? क्या बात हो गई तुझे? क्या आपने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया? अरे जाओ जाओ मुझे काम करने दो यार, थैंक यू। अरे ऑलरेडी लेट हूँ यार। कहाँ जा रहे हैं सरदार जी? अभी आप क्या करोगे? मैं पूर गए सरदार जी। ट्रक के नीचे आ गया ना, शक्ल बदल जाएगी तेरी, तुझे पता ना कैसे लाल होती है। तुझे बोला ना भाग जा यहाँ से, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अगर पीछे है ना तो देख लेना फिर। सरदार जी रुकिए। नेक सरदार जी। नेक सरदार जी। सिडनी हेरॉल्ड के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। कैसे इसने ऑर्फन हाउस को बचाया, ये खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई है। इसने ऑर्फन एज के बच्चों को जिस तरह बचाया, ये खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। ये नेक काम जिसने किया है वो आदमी पंजाब का एक मामूली किसान है, और दुनिया भर में उसे लोग नेक सरदार जी कह रहे हैं, और इसी वजह से वो लोगों की नजरों में एक मसीहा बन गया है, और हर जगह लोग उसकी सरदार जी।
सरदार जी आप इतने उदास क्यों हो? वो मुझे नाम बता कर नहीं गया। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो आइसक्रीम मैन। शुक्र है भगवान का तेरा टायर पंक्चर हो गया, नहीं तो मैं तुझे कहाँ ढूंढती। अगर तेरे किराए के पैसे कम हो रहे हैं तो मेरे पास भी नहीं है, जितने मेरे पास पैसे थे मैंने सारे खर्च कर दिए। पता है मुझे, जब से वो मनहूस मेरे ट्रक से उतरी है ना, भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ। मुझे भी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने कपड़े देखे उसके? ना शूज की बेल्ट के साथ मैचिंग, इयररिंग्स की टॉप के साथ मैचिंग नहीं, और तो और नेल पेंट की किसी चीज के साथ मैचिंग नहीं। चलो मैंने मुंह पर नहीं बोला पर अंदर से तो फील होता है ना। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मेरी शादी टूट गई, नहीं तो मुझे पूरी लाइफ गिल्ट फील होता रहता कि मेरी शादी पर कैसे कैसे लोग आए थे। ये कौन सा स्टेशन पकड़ लिया इसने? अब आपने भी तो कितनी अच्छी मैचिंग की हुई है कुर्ते की पगड़ी के साथ। और देखो लोग कहते हैं कि लड़कों को अक्ल ही नहीं होती मैचिंग की, ऐसे ही लड़कियों को ना अक्ल होनी बहुत जरूरी है मैचिंग की खासकर। जग्गी आइसक्रीम। ओ कुल्फी वाले, मैं शादी वाला लड़का बोल रहा हूँ। अरे भाई मैंने कुल्फियों का काम छोड़ दिया। मुझे पता है जब शादियों में आइसक्रीम खत्म होती है तो लोग सबसे पहले दूल्हे का ही सेहरा फाड़ते हैं। पर मैं बहुत अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि मैं होम डिलीवरी नहीं कर पाऊँ आइसक्रीम की। डिलीवरी आइसक्रीम की नहीं, दिल चोत की चाहिए। इस वक्त सोनी मेरे पास है, मार डालूंगा इस सोनी को। राजवीर भाई साहब, अरे मार दो मार दो, मैं आपके साथ ही हूँ। अरे मैंने नहीं हंगामा किया था आपकी शादी में। अरे अगर मेरे पास रह जाती तो मैं खुद ही कीड़े मार दवाई देके मार देता इसको। तू पागल हो गया क्या? तेरे को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये ले सोनी से बात कर। ओ मेरी बात सुन, अगर तू यहाँ आया ना तो एक बात याद रखना, तो तुम मेरे हाथों से भी नहीं बचेगा। पड़ा है आवाज सुनी? आधा घंटा है तेरे पास। कौन है? क्या हुआ? गोली चल गई यार। पीछे ना देखो तुम्हारी मंजिल आगे है, पीछे ना मुड़ो तुम्हारी मंजिल आगे है। जाओ मरो। देखो आ गया बड़ा सरदार जी। तूने मेरी बीवी को शादी से उठवाया था, अब तू सारी कोशिश करके देख ले। अब मैं दिलजोत के साथ ही शादी करूंगा और तुम दोनों की कब्र यहीं पर बनाऊंगा। भाई मंदा बोल ना करतारो, तेरी करतार वाली बात का मुझे पता है यार। मंदा बोल ना बोलिए, बंदे देख लो उधर कितने हैं, वो भी बंदूकें पकड़ी हुई हैं हाथ में। उन्होंने पहले हमारी पिटाई करनी है फिर मार मार के यहीं दबा देंगे कहीं। जा जा के ट्रक में बैठ जा, दूसरे को भेज दे, जा भाग जा। अरे आ जा यार। अरे पागल हो गया सरदार भाई साहब। मैंने देखा सफर में थकावट बहुत हो जाती है सरकार। यार मेरा उठने का दिल ही नहीं कर रहा आज। आ जा यार लड़ाई होने वाली है। हम तो रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। ये सफेद कपड़ों वाला खड़ा है इसको साथ ले जा। आ गया। ना यार ऐसे मत कर भाई, पार्टी बहुत सॉलिड है यार, मुझे मारेंगे यार। मेरे से दो दो काम नहीं होंगे, एक तो मार खाते रहो एक हाथ जोड़ के खड़े रहो। अच्छा जब हम गांव जाएंगे ना बस वाले की पिटाई करेंगे, कंडक्टर को भी मारेंगे, ये मेरा वादा रहा तुमसे। नो चल मेले में जाके कुश्ती वाले को उठा उठा के मारेंगे। गुस्सा नहीं करना जग्गी जी, ये बात दिल के घर वाले को समझा दे जाके। जग्गी मैं जाकर बात करूं? मुझे लगता है ये आइडिया ठीक रहेगा क्योंकि लड़ाई आप दोनों की है, मैं तो वैसे ही बीच में फंस गया, मैं तो पहले ही बहुत लेट हूं। जाके बात करो। लड़ी आइसक्रीम मैन, कुल्फी वाले सरदार, ये बात भाई जी ने गलत कर दी है। आ गया अतरा जी, अब आप संभालिए। अब होगा
बराबर का हिसाब। आजा! अरे मारो! सरदार चाहे फौज में ब्रिगेडियर हो, चाहे गेटकीपर, सरदार चाहे कनाडा में मेयर हो, चाहे पंचायत के मेंबर, काबुल से लेके कांगड़े तक के मालिक हो, चाहे 2 किले ठेके पर हो, सरदार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुल्फी बेचने वाला, सरदार के साथ जी जरूर लगा। सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। चलो दीदी, चलो दीदी, बहुत हो गया ड्रामा। ओहो, मेरी तरफ क्यों देख रही है? मेरी बला से चाहे इसका सारा खून निकल जाए। हाँ तो फिर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी ड्रेस ब्रांड न्यू है, तेरी वजह से मैंने हैंकी भी छोड़ दिया। बेटे मुंह गांव वाला है तेरा, इनकी खातिर लड़ाई कर रहा है लोगों के साथ। हेलो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दीदी मैं नहीं था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आर यू हियर? I'll fix it. Can I take a selfie with you? Can I take your selfie with you? Can I see the ice cream truck? Ice cream? Ice cream, yes. Yeah, yeah. Okay. Can you see the ice cream? Ice, please. Atra to aaya hi tha, mera jee cha raha hai, tumhare bhi 2-4 laga hi jata hu. Auto kar lena ab. Yeah! Andhera mat hone dena. Ha. Bye. Bye. Time se ghar chale jana. Oh, bahut ho gaya, rent do. तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। इतने पछड़े में पड़ने के बाद भी तुम्हारी मंजिल यहाँ से 50 किलोमीटर यानी 1 घंटा दूर है। कौन से मानूं बन रही हूँ कि मैं? इनके चक्कर में मैडम ने तीसरी बार 1 घंटा बोल दिया। छोड़ो मैडम, ये तो दोनों बेकार हैं। इन बेकारों को कदर है काम की। अब चाहे रास्ते में डीटीओ खड़ा हो, ट्रक नहीं रुकेगा। अब बस जी। ओ जग्गी, फोटो आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, दिख रहा है सब कुछ। और रूप कैसी है? ले आजा, बातें तो कर ले। मल्टी कलर परांदा, पैरों में जान जाओ। जग्गी आ रहा है ना मजा? रब्बा कितनी क्यूट लग रही है। अरे खुश किया फौजी, इस बार जब मैं गांव आया ना, तेरे को शरले वाली बंदूक ले दूंगा। देखा मेरा यार कितनी मेहनत कर रहा है गांव के लिए। वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है, डबल डबल मेहनत हो रही है। ओ ये तो मेहमान है, और रास्ते में इन्होंने लिफ्ट मांगी थी। अच्छा एक बात और, लड़कियां बहुत ढीठ हैं, ये उतरती नहीं। खड़ खड़ रुक 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 रुक। अरे उठो, वो ऐसे रही है जैसे ट्रक में इनका हिस्सा हो। ओ लेडी गागा, नीचे उतर के धक्का मार। हाँ हाँ जा रही हूँ मैडम, उतरो। नहीं यहाँ पे इनके नखरे नहीं खत्म हो रहे। ओ शादी खत्म हो गई है तेरी। अरे मार धक्का, जोर से लगाओ थोड़ा। धक्का भी मुझे ही लगाना पड़ेगा जाकर। तुम्हें धक्का नहीं लगाना था? बता तो देना था कि लाहौर पिशौर साहब आए हैं। चलो अच्छी बात आ गए। चलो धक्के वाली टेंशन तो खत्म हुई। चलो लड़कियों हम ट्रक में बैठते हैं, चाचा जी धक्का लगाएंगे। किस धक्के की बात कर रहे हैं कुल्फी वाले? धक्का तो आज तुझको मैं देने आया हूँ, वो भी चंदुम में। कोई बात नहीं, जब उम्र हो जाती है तो सुबह चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको क्यों तकलीफ दे चाचा जी? ऐसा करो आप सब लोग अंदर बैठो, आओ लड़के हम धक्का लगाएंगे। इस बार तेरी कोई होशियारी नहीं चलेगी, चलेगी तो सिर्फ पठान चाचा की गोली चलेगी। गोली चलेगी? सुरमे वाले भाई तुझे फिर मेरी बात पर गुस्सा आएगा। तू माने चाहे ना माने, मैंने तुझे कहीं देखा यार। ओ यार क्या बकवास कर रहा है तू? जब मिलता है बस यही बात करता है, मैंने तुझे देखा, मैंने तुझे देखा। अबे मैं कोई दो मुंह वाला कुत्ता हूँ जो तू मुझे देख के भूल नहीं रहा? अगर तूने अब बोला ना तो मैं तुझे खाली बंदूक मार दूंगा।
क्या बात, तुम्हें गाँव से फोन नहीं आ सकता क्या? सफल किसान हूँ मैं फ्रॉम पंजाब यार, तुम्हारे जैसे मैं बंदूकों में गोलियां भर के नहीं फिर रहा, चाचा ही समझाओ यार। ओए उठा लेने दे, उठा लेने दे, उसके बाद इसको कंधे पर ही उठाना है। हेलो जग्गी बेटा, मैं नगमा आंटी बोल रही हूँ। बड़े चर्चे हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तेरे, हर चैनल पे तेरी ही बात हो रही है। तुझे नोबल से का इनाम मिला है ना बेटा, एक बात बता तेरे पास इतने डॉलर आए कहाँ से? घर आके बताऊंगा। अरे मुझे थोड़ी जानना है। तीन चार सूट बूट वाले बाबू आए हैं गॉगल शॉगल लगाकर, वो पूछ रहे हैं। ये कौन से बाबू आ गए अब? तंग कर रहे हैं, पूरे घर में दवाई डाल दी है, न कॉकरोच है न मच्छर है, फिर भी सोफे के नीचे घुस घुस कर पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अरे जब मैं ट्रक छोड़ने आऊंगा सब कुछ बताऊंगा, किराया भी दे जाऊंगा। मैं फंसाऊं यहां भाई। नगमा आंटी भी ना बस। इधर मुंह करना जरा। ओए नगमा आंटी का लड़का है ना? कौन सी नगमा आंटी? ओए जिसका ये ट्रक है, बोलता क्यों नहीं है? ओए सुरचू ये क्या कह रहा है, ये ट्रांसपोर्ट किसकी है? अच्छा तो ये ट्रक नगमा आंटी का है जिसे ये चला रहा था, ये बात मुझसे छुपा के रखी है? ट्रक की चाबियां कहां होती है? नगमा जानती है, जग्गी जानता है, या सिर्फ तू जानता था? जब ट्रक सीसीटीवी कैमरा में आया, जो ट्रक चला रहा था वो जग्गी नहीं था, और जो आदमी ट्रक में से उतरा वो भी जग्गी नहीं था, वो तू था। ओए सच सच बता दे डॉलर कहाँ है? ना पूछो चाचा, तेरे आंसू निकल जाएंगे। मैं इसको गोली मार के बात ही खत्म करता हूँ चाचा। अरे क्यों गोली बेकार करते इस जानवर को मार के? मुझे मार ही लेने दे चाचा। ओए भाईजान तुझसे गोली चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें एक भी कारतूस नहीं है। मैं चाचा समेत सबको मार सकता हूँ यहाँ पे, मेरा खाना पीना हराम हो गया तब से। अरे मुझे बताना था ना इसमें गोलियां नहीं है। ओए सच सच बता दे डॉलर कहाँ है? ओ चाचा मैंने तो घर के गैराज में रखे थे। अम्मी ने शायद गलती से उठा के ट्रक में रख दिए। अब तू बता डॉलर क्या है? मैंने बच्चों को दे दिया वो। बाबा बहुत बड़ा काम किया, क्या बात है तेरी, क्या कहने तेरे दानवीर करण के। ओए तेरा कहीं दिमाग तो नहीं हिला है, सारे पैसे बच्चों को दिया आया। उनको जरूरत ही मैंने दे दिए। कभी कमा लिया तो कभी गंवा दिया, बस सारी उम्र इसी जद्दोजहद में निकल गई। अब तो खाली हाथ अपना वतन भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं चाचा, तुम शहर भी देखोगे और घर भी जाओगे। क्या मुंह लेके जाऊंगा? अरे यही मुंह लेकर जाओगे, जब डॉलरों का बैग गंदे पर होगा तो यही मुंह अच्छा लगेगा। मुझे 5 लाख डॉलर मिल रहे हैं, थोड़े तुम भी ले लेना। चलो लगाओ गाड़ी, पीछे आ जाओ। अरे उठो अब, पहले कितनी आग लगी थी, अब बोल रहा हूं तो उठता नहीं है। तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा। अरे आ जा लेडी गागा, आ जा बैठो ट्रक में। चल मेरे भाई, अच्छे बंदे माला के बंदे, चल गाड़ी चला। अच्छा जग्गी, जग्गी तुझे 5 लाख डॉलर कहाँ से मिलेंगे? और तू क्यों पूछ रही है? मत पूछो, वैसे ही बैड लक शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मंजिल से 5 किलोमीटर दूर रह गई है। ओ तेरी। अब सुनो 5 लाख डॉलर कहाँ से आ रहे हैं बताओ? हेलो अंकल, टाइम से फोन किया करो, हमें भी सोना होता है। शेरी चल बोल नीचे रख, डांट खानी है तूने? आपने किससे बात करनी है? ओ जग्गी मैं विक्की बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्म से।
पहचाना नहीं? जिन प्लांट्स में तूने अपनी बनाई हुई देसी खाद डाली थी ना, उन प्लांट्स ने 3 times ज्यादा फसल पैदा की है और मुझे $5,00,000 का फायदा हुआ है। अरे तेरी बनाई खाद तो पॉपुलर हो गई है पूरे ऑस्ट्रेलिया में। लॉन्ग फोर्ज के 100 farmers ने इसी खाद का इस्तेमाल करके 3 times ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। इन पैसों का असली हकदार तो तू ही है भाई। मैं हकदार हूँ? गोरों को पसंद आ गई मेरी खाद? देखिए भाई, ये जो $5,00,000 है, ये पंजाब का 1.5 crore बन जाएगा। अरे बन जाएगा पगले, बन जाएगा। अच्छा तू एक काम कर, सब छोड़ और एड्रेस नोट कर पहले। हाँ जी, मैं अभी करता हूँ। C496 Longford। Longford। वो बड़ा प्रोग्राम रखा है, आना जरूर भाई। हाँ जी भाई, मैं टाइम से पहुंचाऊंगा। ठीक है, सत श्री अकाल। हाँ जी भाई, सत श्री अकाल। तुम्हारी मंजिल यहाँ से राइट मुड़कर सिर्फ 100 meters दूर रह गई है। ओह माय गॉड, वाओ। बब्बू का फोन है। हेलो बब्बू, बब्बू, ओ मैं पहुंच गया। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हो, मुबारक हो। सोनी, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। चाचा, मुझे लगता है जग्गी के साथ किसी ने मजाक किया है। फोन कट गया था, तूने सामान वान पैक कर लिया ना? आ रहा ना तू जल्दी से? यहाँ हमने गांव वालों को खबर कर दी है। सब तेरे आने की राह देख रहे हैं और हमने भांगड़े का भी प्रबंध किया है, बस तू जल्दी आ जा। बब्बू यार, ज्यादा इंतजार मत करा भाई। मैं पैसे पूरे नहीं कर पाया यार। तू आई नहीं दे रहा है, जमीन चली जाएगी बब्बू। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ यार। नहीं बचेगा। अरे अपना भाई आ रहा है। अरे बंगला पहुंची, बंगला। मैं कौन सा मुंह लेके गांव आऊंगा यार? हम इनके मुंह पे पैसे मारेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। तू जल्दी पहुंच। अरे हम सब तेरी राह देख रहे हैं, तू जल्दी आ जा। हौसला रख मेरे बच्चे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए पगले, तुझे पता नहीं कि तूने मेरी जिंदगी नहीं मेरी सोच भी बदल दी है। पठान चाचा वापिस अपने वतन जा रहा है, खूबसूरत पाकिस्तान। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। चलो यार अपने वतन को चलो। जग्गी, अब जो भी करेंगे ना, साथ मिलके करेंगे। हाँ जग्गी। अगर इसके पास ट्रक की एक्स्ट्रा चाबी थी तो मेरे साथ तेरी शादी में क्यों आया? मेरे लिए तो आया नहीं था, तेरे लिए आया होगा।